हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था बीपीएससी का बिहार वाला, अच्छा गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं आपकी आंसर की के बारे में, जो आपका पेपर हुआ था, पेपर सेकंड जो था आपका, पेपर सेकंड जो आपका था जीएस का, ठीक है, उसका आंसर की के बारे में देखने वाले हैं। ये आपका शिफ्ट फर्स्ट था, ठीक है, शिफ्ट आपका फर्स्ट है जो आपको 24 तारीख को कंडक्ट हुआ था मॉर्निंग में, शिफ्ट फर्स्ट का है। और ये आपका जीएस का पेपर है बिहार वाला बीपीएससी का, ठीक है। तो आइए मैच करते हैं आंसर की, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा इसमें। डायरेक्ट अपना आंसर मैच करिए कितना किसका सही जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या है आइए देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक वन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कह रहा है 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञान प्रयास के पीछे कौन था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका H.S. पोलक, ठीक है, H.S. पोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, रावण विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, निम्न में से किस देश के की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा USA, ठीक है, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो क्वेश्चन आपका नाइन का आंसर हो जाएगा सी जॉर्जी गोस्पोडिनो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है, तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, लिंडा याकरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां की महिला का है आपका 51.5% है, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा 11 का। 12 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो जानी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम
क्या है? तो ये आपको ऑप्शन में बी हो जाएगा, पद्म श्री बिमल पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है? किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसको ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 16, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये आपके मोरक्को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 18 क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? 18 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 19 का देखिए क्वेश्चन नंबर, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ये आपका शुक्र आंसर हो जाएगा, 19 का ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडलीय की परतों का सही क्रम है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी। 22 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, लदांग, मलेशिया। ठीक है, स्थानांतरशील कृषि का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 23, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोपहर के 2 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सिलिका और एलुमिना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सिलिका और एलुमिना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 26 का। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कदम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 29 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल। 31 क्वेश्चन देखिए, 30
वन, निम्न युग्मों में से कौन सा सही है सुमेलित कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 देखिए, 32 क्वेश्चन नंबर, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद अली जहीर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है, जो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस पुस्तक के लेखक थे, ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 35 देखिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अरुणा आसफ अली। 35 देखिए, 36 क्वेश्चन नंबर, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल विंग की स्थापना 1916 में की थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूना। क्वेश्चन नंबर 37, 37, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा आपका, सहजानंद सरस्वती। 38 देखिए क्वेश्चन नंबर, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द मर्द थी, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ह्यूज रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 38, 38, 39, ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 39, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्या कह रहा है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नवंबर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉ लॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनिकरण कौन सा मुख्य कारण था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः, इसका है कानून, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बरदोली सत्याग्रह गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45,
भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो, जी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आपका 45 का डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 46 देखिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1993। क्वेश्चन नंबर 47, 1 अगस्त मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? तो आपका इसमें से होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन आपका हो जाएगा। 48 का देखिए, इसको मैच करना है तो आइए करते हैं मैच आपका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही क्रम चुनिए। तो आपका है विशेष विवाह अधिनियम, आपका इसका सही हो जाएगा, पहले का आपका सही हो जाएगा, जी दूसरा आपका पहले का दूसरा सही हो जाएगा, 1954। ठीक है, और दहेज निषेध आपका अधिनियम 1900 आपका एक 61। ठीक है, 1961 सही हो जाएगा। और तीसरा समान परिश्रमिक अधिनियम आपका सी का पहला सही हो जाएगा, 1976। और डी का आपका सही हो जाएगा तीसरा, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। तो फिर से देख लीजिए, ए का आपका दूसरा सही है, आपका बी का आपका चौथा सही है, और सी का आपका पहला सही है, और डी का आपका तीसरा सही है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिनेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? जी तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, धर्मपाल। 51 का देखिए, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुख्य किसे आश्वसित करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रहित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, रंजन गोगोई। 37 देखिए क्वेश्चन नंबर, गरीबी हटाओ संबंधित है इंदिरा कांग्रेस से, और लोकतांत्रिक आपका बचाओ संबंधित है इसका तीसरा हो जाएगा जनता दल से, और जोतने वाले वाले को भूमि आपका तीसरा का सही हो जाएगा, सी का क्या सही हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, वाम मोर्चा और तेलुगुआओं के स्वाभिमान की रक्षा आपका सही हो जाएगा, चौथा ही सही होगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, ए का आपका दूसरा सही हो जाएगा, बी का आपका तीसरा सही हो जाएगा, और सी का आपका पहला सही हो जाएगा, और चौथा का आपका चौथा ही सही रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा सही है, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 54, निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। आपका ये 55 था। अब 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, प्रत्येक कोशी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जैविक आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, सीमित संसाधन। 59 देखिए, मेथोग्लोबिनीमिया निम्न में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, नाइट्रेट। 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो आपका एक दिशीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्न में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 62 देखिए, निम्न में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेथेन, CH4 जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादप हिरण शेर। 64 का देखिए, 64 का आपका देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता? तो ये आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं? तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, आहार जाल। 67 देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। 68 देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सुंदर लाल बहुगुणा। 68 के बाद 69 देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो ये आपके स्वपोषी होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 देखिए, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 71 देखिए, निम्न में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश को उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 72 देखिए, निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? तो आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन। 73 देखिए, दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं? तो बड़ी संख्या है लगभग, तो आपका ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा बी, 3700/13। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या होगी? तो आपका सी ऑप्शन होगा, 96, 96।
75 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न श्रेणी क्रम में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 120। 76 क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। आपको फिक्सन दिया है, फिर ग्रिंड दिया है, फिर BMDIY दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला KNHYNTS। 77 देखिए, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयाग से कोलकाता जाने कितने संभव रास्ते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। 78 देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर वर्ग आयत होता है। 79 देखिए क्वेश्चन नंबर, कोड शब्द को 1516199 के रूप में कोडित किया जाता है और स्टेप को 1876912 के रूप में कोडित किया जाता है, तो फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1822167691। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपका 40 पाई हो जाएगा। 80 का 81 देखिए क्वेश्चन नंबर, समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 82 देखिए क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2, p इक्वल टू 4 हो तो निम्न में से 3 को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आई। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका महसय 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपका सी ऑप्शन होगा 341। 84 देखिए क्वेश्चन नंबर, एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो पी रेशियो क्यू का मान होगा? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका आएगा। 85 देखिए क्वेश्चन नंबर, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, निम्न भिन्नों को आप क्या करिए, आरोही क्रम में करिए, मतलब बढ़ते क्रम में। आइए देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 13/18, 29/36, 51/60 और 41/45। क्वेश्चन नंबर 86 था। 87 देखिए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बी हो जाएगा 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, 22। 89 देखिए, 89, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बताइए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16/2/3। 90 देखिए क्वेश्चन नंबर,
दो अंक की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या होगा तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन सही है। 91 देखिए, 91। यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए स्क्वायर बटे में बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे में सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे में ए बी का मान क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। 92 देखिए, 4 के पावर x+1 प्लस 4 के पावर 1 - x = 10 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 देखिए, x³ - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद जी एक्स से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x+1 और -2x+4 है, तो जी एक्स का मान क्या होगा, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा x-2। 94 देखिए, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 231 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर से हो जाएगा 450, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, दो वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु व्युत्क्रम का योग 2/3 है, ए की वर्तमान आयु होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4 वर्ष। 97 देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x-ky = 2 और 3x+2y = -5 का एक अनूठा हल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका -2/3। 98 देखिए क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर² है, तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी 1951 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। यदि समीकरण 3k x² - 25kx + k+8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 है, तो k का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 101 क्वेश्चन देखिए, log√2/32 का मान क्या होगा, तो आपका 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाओं को बताइए सेंटीमीटर में, तो आपका इसमें से होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 103 देखिए, यदि √1 + 27/169 = 1 + x/13 है, तो x का मान बताइए, तो आपका इसका मान होगा 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इनमें इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर है आपका 105। निम्न में से किसका पीएच 7 से अधिक है,
तो आपका बी ऑप्शन होगा रक्त प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 106। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 107। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका विरंजक चूर। 108 देखिए क्वेश्चन नंबर। माता पिता से संततित में लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका आनुवंशिकता। 109 देखिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 110 देखिए, लोहे के एक बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, HCl की बात कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद बनता है, तो आपका हाइड्रोजन गैस सी हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद बनता है। 111 देखिए, बाढ़ आने को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वनारोपण। 112 देखिए, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि आपका ए सही हो जाएगा, टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील है। 113 देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। 115 देखिए, कोली फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका बी सी ऑप्शन सही होगा, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 116 क्वेश्चन नंबर, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, वोल्ट मीटर का भी यूज करते हैं और इसका भी यूज करते हैं। 116 हो गया। 117 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये आपका सदिश मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 117 के बाद आप 118 देखिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, खड़े होने की स्थिति में। 119, प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैंगनी। 120 क्वेश्चन नंबर, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, तो ये आपकी उठेगी ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन जीएस का, जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 24 तारीख को, ठीक है, जो ये आपका बॉयज के लिए था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।